हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मात्र 2 महीना में अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें। फ्रेंड्स, इसके लिए हमने 5 टिप्स एंड ट्रिक्स को बनाए हैं। यदि आप इसे फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत कम दिनों में अच्छी हो सकती है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग के सामने सबसे पहला ट्रिक्स है 2080 फार्मूला को जरूर अपनाएं। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको इसलिए कह रहे हैं 2080 फार्मूला को अपनाने के लिए क्योंकि अब आपके पास मात्र 2 महीना बचा हुआ है। यदि आप इसे फॉलो करते हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत कम दिनों में बहुत अच्छी हो सकती है। तो चलिए पहले हम इस 2080 फार्मूला को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसका मतलब होता है कि आपके सिलेबस में 20% ऐसे पढ़ाई होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। तो आप ये कोशिश कीजिए, सबसे पहले आप उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपके सिलेबस में 20% ऐसे पढ़ाई होंगे जो आपको 80% रिजल्ट देंगे। तो आप सबसे पहले उस टॉपिक को ख़त्म कर लीजिए। ये कैसे पता करेंगे कि कौन से ऐसे 20% सिलेबस हैं जो हमको 80% रिजल्ट्स देने वाले हैं? ये कैसे पता करेंगे? तो यह ऐसे पता हो सकता है, आप इसके लिए क्वेश्चन बैंक का सहारा ले सकते हैं। साथ ही आपने जो नोट्स बनाए हैं उसमें देखिए कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही ऐसे कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे ज़्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप सबसे पहले उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि देखिए, अब आपके पास मात्र 2 महीना बचा हुआ है, इसलिए आप 2080 फार्मूला को ज़रूर अपनाइए। यह क्या होता है कि आपके सिलेबस में जो 20% सिलेबस है जो आपको ज़्यादा मार्क्स देंगे, सबसे पहले आप उसे ख़त्म कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ ले गए होंगे। फ्रेंड्स, आप इस ट्रिक्स को जरूर यूज कीजिएगा। अब चलिए सेकेंड ट्रिक्स को देखते हैं। हम लोग के सामने सेकेंड ट्रिक्स है कि मेक ए टारगेट एंड ट्रैक। इसका हिंदी मतलब होता है कि एक लक्ष्य बनाए और उसे पूरा करें। आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप एक टारगेट बनाकर पढ़ाई कीजिए। देखिए, आप 24 घंटा का एक टारगेट बनाइए। ये हम नहीं कह रहे हैं कि 1 मंथ का टारगेट बनाइए, 1 वीक का टारगेट बनाइए। अब आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इसीलिए आप ये कोशिश कीजिए कि मात्र 24 आवर्स का एक टारगेट बनाइए कि मुझे 5 आवर्स पढ़ना है, मुझे 7 आवर्स पढ़ना है। तो आप उतना देर जरूर पढ़िए। यदि आप ऐसे करते हैं ना तो आपकी तैयारी बहुत बेहद हो सकती है। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि अपने टारगेट को जो बनाते हैं ना उसको कल पर टालने लगते हैं। लेकिन याद रखना, जिसने कहा कल दिन गया टल, जिसने कहा वर्षों बीत गए वर्षों, जिसने किया आज उसी ने किया राज। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। आप एक 24 घंटा का एक टारगेट बनाइए कि मुझे इतना देर पढ़ना है, इस टॉपिक को आज खत्म कर देना है। तो आपको किसी भी कीमत पर खत्म कर देना होगा क्योंकि अब आपके पास मात्र 2 महीना बचा हुआ है, इसीलिए आप टिप्स का यूज कर सकते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टिप्स को देखते हैं। हम लोग के सामने नेक्स्ट ट्रिक्स है कि एक दिन में एक ही विषय को न पढ़े। इसका मतलब क्या होता है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वह एक दिन में एक ही विषय को पढ़ते हैं। जैसे आज मैथ पढ़ लिए तो कल साइंस पढ़ेंगे, आज हिस्ट्री पढ़ लिए तो कल पॉलिटिकल पढ़ेंगे। ऐसे करिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। देखिए, अब आपके पास मात्र 60 से 65 दिन बचा हुआ है, ऐसे कीजिएगा तो आपकी तैयारी बेहद अच्छी नहीं हो सकती है। इसलिए आप ये कोशिश कीजिएगा कि आप एक ऐसे टारगेट बनाइए जिसमें आपकी सारी सब्जेक्ट कवर हो जाए। आप ऐसी एक रूटीन बनाइए जिसमें आपको जितने सब्जेक्ट है एग्जाम देने, वो सारे सब्जेक्ट आना चाहिए। आज मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, सोशल साइंस भी पढ़ना है। थोड़े थोड़े पढ़िए, लेकिन हर दिन आपको हर सब्जेक्ट पढ़ना होगा। ये नहीं कि आज साइंस पढ़ लिए कल सोशल साइंस पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ाई कीजिएगा तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो सकती है। इसीलिए आपके पास जितने जो सब्जेक्ट है वो सभी सब्जेक्ट को थोड़े थोड़े पढ़िए, लेकिन रोज दिन पढ़िए। ऐसा करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहद हो सकती है। अब चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट ट्रिक्स को देखते हैं। नेक्स्ट ट्रिक तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रिक्स का नाम है रिवाइज अगेन। इसका मतलब होता है रिवीजन जरूर करें। कहा जाता है कि रिवीजन इज मोस्ट फॉर एनीवन एग्जामिनेशन, अर्थात किसी भी परीक्षा के लिए रिवीजन काफ़ी जरूरी होता है। तो चलिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रिवीजन करने से क्या होता है कि आपने जो कुछ पढ़ चुके हैं, जो कुछ सीख चुके हैं,
तो इससे क्या होता है, उसे बार बार पढ़ने से ना आपके दिमाग में उसी तरह की लेयर चढ़ जाती है। देखिए जैसे जो मोमबत्ती होती है वो जलती है तो उसके बाद वो पिघलने लगती है, ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपने जो टॉपिक्स को पढ़ लिए हैं उसे बार बार रिवीजन कीजिएगा ना तो आपके दिमाग में उसी तरह की परत चढ़ जाती है। जब उसी तरह की परत चढ़ जाती है ना तो आपको काफ़ी समय तक याद रहता है। इसीलिए किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए ना रिवीजन काफ़ी ज़रूरी होता है। देखिए अभी के समय में आपने पहले क्या पढ़ा वो मायने नहीं रखता, बल्कि आपको क्या याद है ये बहुत मायने रखता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, यह सिर्फ रिवीजन से ही हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम आपको एक रिवीजन करने का तकनीक बताते हैं, उस तकनीक का नाम है एवी के फॉर्मूला। देखिए ए से होता है ऑडियो, वी से होता है वीडियो और के से होता है काइनेटिक। देखिए ए से होता है ऑडियो, इसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने जो टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उसका आप एक ऑडियो बना लीजिए और आप उसे सुनिए, काफ़ी समय तक याद रखता है। उसके बाद है वीडियो, कि आपने जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है उसके बारे में कहीं से एक वीडियो देख लीजिए। ऐसे करते हैं ना तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है और आपको काफ़ी समय तक याद रखता है। उसके बाद है के से होता है काइनेटिक, कि आपने जो भी टॉपिक्स को पढ़ा है उसे बिना देखे बिना छुए याद कर सकते हैं, यानी प्रैक्टिकल याद करने की कोशिश कीजिए, काफ़ी समय तक याद रखता है। तो आप रिवीजन करने के लिए एवी के फॉर्मूला को अपना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट टिप्स को देखते हैं। नेक्स्ट टिप्स का नाम है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को सोल्व जरूर करें। देखिए इसका हिंदी मतलब होता है कि जो पुराने साल के क्वेश्चन पेपर है उसे सोल्व कीजिए। इससे क्या होता है, देखिए इससे यह होता है एग्जाम में जो प्रश्न होते हैं कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, साथ ही आपको यही पता चल पाएगा कि जो बोर्ड एग्जाम में है ना प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी मिल सकती है। साथ ही आपको ये बता दें कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछे जाते हैं। आप कम से कम कोशिश कीजिएगा पिछले 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसे सोल्व जरूर कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो सकती है। साथ ही आपको ये बता दें कि 30% आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक यानी प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व जरूर कीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत बेहद हो सकती है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सारे ट्रिक्स आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद।